जैसे कि हम बनाने जा रहे हैं आज मुरमुरा नमकीन, ये बहुत ही हेल्दी होती है। आपने सामान भी देखे होंगे, सब हेल्दी है। इसके लिए हमें चाहिए मुरमुरे, 1 कप मूंगफली। मैंने मूंगफली से 2 ने मुरमुरे लिए, यानी कि 1 कप मूंगफली है तो 2 कप मुरमुरे हमारे, 1 कप कच्ची मूंगफली, 1 कप मखाने, और ये थोड़ा सा गोला जो कि मैंने बारीक काटा हुआ है, 10 से 15 के बीच में कड़ी पत्ते, किशमिश, थोड़ी सी किशमिश, काला नमक, हींग, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो आइए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी चढ़ाएंगे और इसे हल्की हल्का सा गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मूंगफली डालेंगे और हल्की आंच पर उसे रोस्ट कर लेंगे। हम इसे मूंगफली को तल भी सकते हैं, पर थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हम इसे हल्की आंच पर ही भूनेंगे। दोस्तों देखिए, मूंगफली ने हल्का सा चटकना शुरू कर दिया है। इसे मैंने सिर्फ 1 मिनट ही भूना है, आप इसे हल्की आंच पर भून लें। आप इसे वैसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरह से घी में भूनेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा, और हम इसी घी में अपना सारा सामान भूनेंगे, मतलब हमारे नमकीन के लिए इतना ही घी एनफ है। फ्रेंड्स देखिए, ये मूंगफली भून रही है, मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ये हमारा घी बचा है, इसी में अब हम गोला डाल देंगे और गोला भून लेंगे। ये सब ये चीज़ें हैं कि जो आपके बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, नमकीन के भाने से जब उनको छोटी छोटी भूख लगती है उसमें खा लेते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो अब हम इसी तरह से हल्की आंच पर इसको गोले को भी भून लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा गोला भी भून चुका है, हम मूंगफली वाली प्लेट में ही इसे निकाल लेंगे, क्योंकि हम सबको हम सब मिक्सर को मिक्स ही करेंगे। तो अब मैं इसमें मखाने डाल दूंगी अपने, और मखाने को भी हल्का रोस्ट करूंगी। आप इसमें अपनी इच्छा से चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे मखाने भी भून चुके हैं, इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें मखाने, किशमिश आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और मैं चाहूँगी आप इस नमकीन को ज़रूर बनाएं, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है, इस तरह से हमारे लिए डाइट फूड है। आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं यदि आप डाइट को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ देर इनको किशमिश को भी भून लेंगे। दोस्तों ये किशमिश भी मैं निकाल लूँगी, इसमें मैं 1 चम्मच घी और डालूँगी, और इसमें सबसे पहले हम हींग डालेंगे। हींग से इन सब चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए अब हींग हमारी चटक गई है, अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूंगी, और कड़ी पत्ते को गैस हमारी सीम है कुछ सेकंड के लिए भून दूंगी। कड़ी पत्ते वैसे हमारे मुरमुरे चलाते हैं, जब मुरमुरे भूनेंगे हम तब भी भून जाएंगे, और इसे कुछ सेकंड भून लेंगे। कड़ी पत्ता मैंने धो लिया था अच्छे से, कड़ी पत्ते के घून मैंने एक बार अपनी पिछली वीडियो में भी बताए थे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैं कड़ी पत्ते को किस तरह से यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स इसमें मैं अब 1 चम्मच हल्दी डाल दूंगी और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दूंगी। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, यदि आप ना खाएं तो उसे मत डालिए। अब मैं इसमें मुरमुरे डाल दूंगी, और देखिए आप पर इन सबको 1 मिनट के लिए भून लूँगी, जब तक कि हमारे मुरमुरे क्रिस्पी नहीं हो जाते। इसमें ये हमारा मुरमुरा क्रिस्पी हो गया है, इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक हेल्दी भी होता है और इन सब चीज़ों में बहुत टेस्टी भी लगता है। अब जो हमारा सारा मिक्सर है मूंगफली मखानों किशमिश का, वो हम सब मिला लेंगे और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ पर हम हल्का सा नमकीन को टेस्ट कर भी देख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ की कमी हो तो हम उसे कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी क्रिस्पी हेल्दी
नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें, और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अपनी नई नई वीडियो की रेसिपी मुझे भेजें। थैंक यू।